गाइस हम फर्स्ट इंडियन विलेज पर पहुंच गए। चलो पहले ये लास्ट था और फर्स्ट। हां पहले लास्ट था, अभी से फर्स्ट कर दिया गया। ये पीछे खड़े हो फोटो खींच लेते हैं क्यों? वो बहुत अच्छा अभी आते वाली। अरे ऐसे बहुत अच्छा स्पॉट है ना। तो अभी यहाँ पे गाड़ी पार्क हो गई है भाई, इतना तगड़ा यहाँ पे धूप हो रही है, एक्सपोजर इतना ज्यादा आ रहा है। तो इधर से आगे पैदल रास्ता है, इसके आगे पूरा गांव हम लोग पैदल ही एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले ये इंडियाज लास्ट विलेज हुआ करता था, अभी इसको चेंज करके इंडियाज फर्स्ट विलेज कर दिया। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पे ये गाँव है। लुक एट द डॉग, क्यूट। तो चलो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ माना गाँव। गाइड जी, ए गाइड जी, कहानी सुनाओ गाइड जी। लो यार तू मेरे कैमरा के आगे इतना चौड़ा आ रहा है ना, तेरे अलावा कुछ नहीं दिख रहा। मैं आगे चल रही हूँ, तू आगे हो जा रहा है, पीछे चल तू। यहाँ पे काफी सारे ऊनी कपड़ों की दुकान है। लुक एट द वैली, सच अ प्रीटी व्यू। यहीं से ले लूंगी मैं कुछ, है ना? पेटीएम भी है इधर। पुराने पहाड़ी घर। ये हो रही है सरसों की खेती, अम्मा लग रखी है काम पे। अम्मा ये आपने ही बनाया है? आपने बनाया? वो मैंने बनाया अम्मा, क्या करना, तुम इधर उधर से ला रहे, मेरे को देख रहे नहीं तुम। हेलो बोलो, हेलो हेलो बोलूंगी क्या हुआ? सामान तो ऐसे ही आपने बोल दिया। सामान तो लिया नहीं। सामान एक बेटी मेरे बोनी को। अच्छा बोनी का तू इधर उधर खिला रही। अरे बेटे हैं यहाँ पर बुटिया। क्या क्या है, कितने का है ये? सौ का है। और ये सफेद वाला? ये 220 का है। ये तो वो है स्टॉल। हाँ ठीक है, चलो बाय बाय। बाय बाय, ओके मिलेंगे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी दो नदियों का संगम हो रहा है, वहां से ब्राउन कलर की नदी आ रही है, यहाँ से ग्रीन कलर की, एंड यहाँ पे संगम हो रहा है। मुझे पता नहीं है कि ये कौन सी नदी है, ये कौन सी दो नदियों का संगम हो रहा है। अलकनंदा। अच्छा ये अलकनंदा और सरस्वती का संगम है। सो प्रिटी। अच्छा यहाँ पे कोई मंदिर भी स्लीपर है तो भी वो कर ले। अब नीचे क्या है? हाँ मंदिर, यहाँ पे भी मंदिर है। ओ ये रहा भीमपुल, यही था शायद नदी। तो सरस्वती उसका वो दे प्रेशर। अरे यहाँ नहीं आ गया। अबे तो सरस्वती नदी का प्रेशर दे। ये तो गंगा भी फेन कर दी। और है कितना सुंदर व्हाइट एकदम। ये
तू इधर आके मेरी चप्पल पे पैर रख, मैं तब जा रही हूँ। अरे मुझे नहीं पता, सरस्वती माता का मंदिर है और ये बह रही है सरस्वती नदी। अगर आप चाहते हो कि सोनी को इसमें बहा दें तो 1000 कमेंट कर दें। और अगर आप चाहते हो कि गौरव को इसमें बहा दें तो 200 कमेंट। मैं फ्री में भी बहा दूंगी। कूदने का कूद जा, जा। मैं वही तो बोल रही थी। नहीं अबे आगे है एक पत्थर। ये इंद्रधनुष हमेशा यहाँ बना रहता है। हाँ ये बेसिक फिनोमेना है। अबे मुझे दिख नहीं रहा लग साहब। अबे यार रिकॉर्ड ओ दिख गया दिख गया। और वीडियो में ओ वीडियो में ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। हां तो उसमें तो दिख गया। क्या स्टोरी एकदम क्लियर दिख, सातों कलर वेब प्योर पूरा दिख रहा है। ये हमेशा बना रहता है यहाँ पे भाई। हमने इस ट्रिप में ना फोटो अच्छा बन रहा है, अभी नया बन रहा है सरस्वती मंदिर होगा। अब ऐसे कहाँ था पहले सरस्वती माता का मंदिर? यहीं पे था पहले से, छोटा मंदिर था ना। अच्छा उसको बड़ा कर दे। अच्छा ये आ गई हिंदुस्तान की प्रथम दुकान। देख पहले इसमें लिखा था नहीं नहीं हाँ हाँ ये है ना पहली, तो फिर वो बाजू बाजू है तो दोनों में लिख दिया। आगे से यहाँ पे सरस्वती और अलकनंदा का संगम भी हो रहा था ना बीच में देख के आई मैं। देख गौरव तुझे देख यहाँ से देखेगा। ओह मम्मा शिट भाई अभी एक नदी अभी अभी एक नदी ने पलटा है ना। कौन सा वाला? ये वाला। अच्छा ये वाला है तो पर अच्छा भाई वो भीम थे उनमें कितने हजारों हाथियों का पावर था। सुन गो मेरे पे एक आइडिया है। नीचे से चलो गो मेरे पे एक आइडिया है। भीम ने रखा था तू हटा दे। क्या अबे मैं मोदी से बात कर लूंगी, वो यहाँ रोड बनवा देंगे। चल कहाँ है उंगलियों के निशान? पांच उंगली होती है ना। अच्छा ऐसे हाँ हाँ ऐसे ऐसे पत्थर ऐसे उठाते ना। ये देखो ऐसे बड़ी उंगली थी भीम थे वो। अश्वत्थामा नहीं पता कितने बड़े हैं? अबे 15 फुट के 20 फुट के ही सुना है मैंने। तो 15-20 फुट के आदमी की उंगलियां भी तो बड़ी होंगी। अबे बाकी तो थोड़े पत्थर के भी मोड़ होंगे ना। हाँ नदी तो नीचे बह रही थी यहाँ की लगा दिया तो उन्हें ऊपर जाना होगा ना। ऊपर जाना तो उन्हें उधर था ना। इसकी स्टोरी क्या थी? अरे नदी का बहाव इतना तेज था कि पांडु पार नहीं कर पा रहे थे। तो पांडु ने पांडव पांडव वो भीम ने पत्थर उठा के इधर रख दिया। यार भैया भीम को तो उधर जाना था ना, तो भीम ने इधर से पत्थर क्यों तो ऊपर से रखा होगा ना इधर। मैं क्या कह रहा हूँ सुनो ना, भीम भीम भगवान जो भी होंगे वहां से पत्थर रखा होगा। हाँ तो यहाँ पे कुआं पानी का उल्टा अच्छा क्या भाई हमें नहीं पता ना कहाँ को। क्या पता उस टाइम वो किसी और शॉर्टकट से जा रहे हो। हाँ तो पुल भी लगाया वहीं से आया तो वहीं से चढ़ जाते। नहीं क्या पता यहाँ से आए हो। कुछ भी हो सकता है भाई। मैं यहाँ फोटो तो खींच दे यार एक या पत्थर की मेरी नहीं चल रहा बिल्कुल भी नहीं। देखो तो सामने देख तुझे संगम दिखेगा। गिरिया मत लेकिन छोड़ यहाँ से मत देख, ऊपर से ज्यादा क्लियर दिख रहा है। यहाँ से वसुधरा फॉल से 5 किलोमीटर ये बंदा अकेले का मिलते हैं। गाँव पानी का भैया गाँव वापिस आ। ओ भैया बैग उसे दे दे आप। हम लोग जा रहे हैं
व्यास गुफा और गणेश गुफा देखने। भैया कुछ ज्यादा ही चढ़ाई है ये, कितने आ गए? चल अब भाई चल आ गए उधर वसुधरा फॉल्स के तरफ, वो ज्यादा ऊंची चढ़ाई थी तो मैं गई नहीं। Meanwhile ये वाला पर्वत है नर पर्वत, और ये वाला पर्वत है नारायण पर्वत। गाइस तो ये 7 किलोमीटर की वैली में चल चल के आखिरी में हमें ये मिला, ये है वसुधरा फॉल्स। क्यों आया मैं, आई डोंट नो। चल चल के इतनी हालत खराब हो गई लोगों की, ये देख सकते हैं। और आगे जाके भी इसे कुछ नहीं दिखा। बना फाइनली इतने लंबे ट्रक के बाद इतनी बड़ी वैली से गुजर के हम पहुंच गए हैं वसुधरा फॉल्स। सुंदर है। इतनी कठिन चढ़ाई करके मैं यहाँ आई हूँ और हम लोग पहुंच गए भारत की अंतिम नहीं प्रथम चाय की दुकान पे। ये बॉर्डर से लग के ऊपर बॉर्डर रोड है, उसके हिस्से इंडिया है। ये है व्यास गुफा, माना जाता है कि यहीं पे बैठ के वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी थी। This holy cave is 5,350 years old. ये है गणेश गुफा। चाय मसाला सो आई हैव रीच्ड द होटल हियर इन बद्रीनाथ। तो ये ठीक जो टैक्सी स्टैंड है जहाँ से हमने बद्रीनाथ के लिए नीचे उतरे थे वहीं पे होटल है। इनफैक्ट यहाँ सारे होटल्स इधर आसपास ही है, लाइक यही एक जगह है जिधर सारे होटल्स हैं। आई डिडंट लाइक द लोकेशन मच। कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाहर भी एंड इस प्रॉपर्टी में भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है लिफ्ट का। मुझे ये पहले नहीं पता था वरना आई वुडंट हैव बुक्ड इट। एंड ऑल्सो I'll give you a quick room tour. Hotel tour to main nahi de rahi because there are a lot of workers outside and I'm not feeling comfortable going out. Kyunki abhi bhai bhi saath mein nahi hai, wo Vasudhara Falls visit karne gaya hua hai. So I'm gonna rest here in my room. Let me give you a quick room tour. Didn't like the room much, but ye entrance hai. Enter karte hi this is a single bed and this is a double bed. And then yahan pe seating hai. Fir ye washroom hai. वेरी वेरी बेसिक वॉशरूम, डिडंट लाइक इट एट ऑल। देन यहाँ पे एक खिड़की है जिधर से पहाड़ों का व्यू दिखता है और नीचे पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लास्ट वाला होटल वॉज अमेजिंग, कंपेयर टू दैट दिस होटल इज लाइक नथिंग। आई डिड नॉट लाइक इट वन बीट, बट ठीक है अभी कुछ नहीं कर सकते। आई एम गोना टेक अ नैप नाउ एंड वेट फॉर माई ब्रदर। उसके बाद विल फिगर आउट शाम को बाहर खाना है कि यहीं खाना है। एंड अनदर थिंग, यहाँ बद्रीनाथ में सारा सात्विक खाना है, लाइक नॉनवेज तो छोड़ो, प्याज लहसुन में नहीं है खाने में। तो लेट्स सी कि हम लोग बाहर जाके खाने वाले कुछ या होटल में ही खाने वाले। बट अभी तो आई एम जस्ट गोना टेक अ नैप
and feel fresh. A few moments later. So it is currently 3 PM. सोचा था मैंने नाप लेने का, नाप तो मैं नहीं ले पाई बिकॉज मेरा भाई नहीं है और ये इन्फॉर्मेशन मम्मी को दे दी गई है. तो अब मेरी मम्मी ने हर 15 मिनट में यूट्यूब की एक एक वीडियोस देख रही है वासुधरा फॉल्स की, एंड उसके बाद मुझे कॉल करके कह रही है कि वहां पे तो ऐसा रास्ता है, वहां पे तो ऐसा है वैसा है. बेसिकली शी इज वेरी टेंस्ड नाउ एंड उसके चक्कर में वो मुझे भी नहीं सोने दे रही है. तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब तो नींद खराब हो ही गई है तो चलते हैं लंच करने, क्योंकि सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद हमने कुछ लंच भी नहीं किया. एंड आई थिंक मैंने आप लोगों को उसके वहाँ के अपडेट्स नहीं दी ना. तो हुआ क्या था कि हमने बद्रीनाथ दर्शन किए, ठीक है, तो दर्शन अच्छे से हो गए थे क्योंकि भीड़ नहीं थी, तो दर्शन हमें हो गए थे अच्छे से. एंड वहाँ पे आई थिंक ये जो ITBP के ऑफिसर्स हैं यहाँ पे वही लोग ड्यूटी पे थे कि लोगों को अच्छे से मैनेज कर पाए. अभी मैंने दो एक ये नेटेड, मतलब क्या बोलते हैं इसको, रिप्ड टी शर्ट और उसके ऊपर स्वेटर पहना हुआ है क्योंकि रूम के अंदर बहुत ठंडी है और अगर आप रूम के बाहर देखोगे तो इतनी अच्छी धूप खिली हुई है. बट मैंने स्वेटर पहन ही लिया जस्ट इन केस कि जुकाम ना लग जाए. एंड देन वहाँ पे एक बंदा था जो झाड़ू लगा रहा था एंड दैट गाय आई डोंट नो वॉट वॉज रॉन्ग विद हिम, सॉरी टू से, बट ही वॉज सो इल बिहेव्ड, ही मिसबिहेव्ड. एंड मैं ऐसे करके खड़ी थी जब मैंने दर्शन किए, तो मैं ऐसे करके हाथ जोड़ के आंखें बंद करके वहां पर खड़ी थी. ही लिटरली पुश्ड मी कि आगे बढ़ो, एंड दैट टू व्हेन ही वाज स्वीपिंग दूसरे साइड पे. आई डोंट नो व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड बट आई गॉट सो अनॉयड. एंड उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला बिकॉज सब लोग अच्छे से दर्शन कर रहे थे, आई डिडंट वॉन्ट टू रूइन सब लोगों का एक्सपीरियंस. तो मैंने वहां पर तो कुछ नहीं बोला बट इट जस्ट आई डोंट नो, बस उसके बाद मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी कि भगवान के दर पे आके भी यू आर बिहेविंग विद पीपल दिस वे, तो मुझे थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगा. अभी मैं जा रही हूँ नीचे टू सी कि क्या खाना है, मैंने कोई मेकअप वेकअप नहीं किया, मैं ऐसे ही बस नीचे जा रही हूँ. एंड दिस होटल मेरे को सिर्फ 2 घंटा इधर आए हुए हुआ है एंड आई एम ऑलरेडी अनॉयड एंड सुपर अनॉयड. बाथरूम में देयर आर नो टाइल्स, नथिंग, इतना ठंडा रूम है, नो हीटर, नथिंग, मतलब लुक एट दिस स्टाइल. या मेरा मूड खराब हो गया इस रूम को देख के. बट लेट मी सी, एक बार मैं नीचे पूछ लेती हूँ कि गीजर वगैरह अवेलेबल ये लोग करवा देंगे क्या. अगर गीजर अवेलेबल हो जाता है तो फिर मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि ठंड से तो मैं बच जाऊंगी. तो मैं ट्राईपॉड ले लेती हूँ अपना एंड चलते हैं बाहर लंच करने. दिस इज द होटल का कंडीशन, लाइक राइट इन फ्रंट ऑफ माई रूम देयर इज एन ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन एंड इट इज सो अनोइंग. But let me figure out if they'll give me a heater or not. जी, rooms में heater मिल जाएगा क्या? काफी ठंडा हो रहा है. तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ तो फिर आप रखवा दीजिएगा. चार्जिंग लगेगा 500 रुपए. कितना चार्ज लगेगा? उसका लगेगा 600 रुपए. ठीक है, मैं आके बताती हूँ आपको. So I asked for the heater and apparently वो कह रहे heater तो वो लगवा देंगे but उनके पास heaters available नहीं है तो उन लोग को बाहर से मंगवाना पड़ेगा and मुझे ही उसका भी पैसा देना पड़ेगा. दे आर आस्किंग फॉर 600 or 650 rupees फॉर द हीटर एंड अगेन आई एम अनॉयड बिकॉज ऑलरेडी मैं इस घटिया से रूम का 4000 पर नाइट पे कर रही हूँ एंड नाउ दे आर आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा चार्ज हीटर के लिए, जो कि एक बेसिक नेसेसिटी होती है इफ यू आर स्टेइंग इन सच कोल्ड एरिया. इनफैक्ट जहाँ मैं पिछले कल तक रुकी थी वहाँ इससे कम ठंड थी, वहाँ हमें हीटर वीटर की जरूरत भी नहीं लग रही थी एंड स्टिल द रूम्स हैड हीटर, दे हैड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, दे हैड लाइक लिटरली एवरीथिंग. सो जैसे जैसे मेरे यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मैं इस रूम और इस होटल से और अनॉय होती जा रही हूँ. बट इट वॉज नॉन रिफंडेबल तो आई हैव टू बेयर विद इट समहाउ आज और कल के लिए. परसों सुबह तो वैसे भी चले ही जाना है. सो लेट्स सी, अभी मैं इधर मेन मार्केट की तरफ को जा रही हूँ टू फिगर आउट इफ आई गेट समथिंग टू ईट और नॉट. एंड अभी तो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो गई है भीड़, सुबह तक तो काफ़ी सारे टैक्सीज वगैरह चल रही थी. चलो देखते हैं क्या खाने को मिलता है इधर. 1 hour 1 lunch एंड 1 packed lunch लेटर. तो आई couldn't vlog much क्योंकि मैं लंच कर रही थी एंड मेरी मम्मी बोर हो रही थी घर पर अकेले, सो शी वीडियो कॉल्ड मी एंड मैं उन्हीं से गॉसिप कर रही थी तो फिर मैं ब्लॉग नहीं कर पाई. एंड अभी मैं भाई के लिए खाना पैक करके लेके आ गई हूँ क्योंकि
उस गधे का फोन डेड हो चुका है एंड उसके पास कैश भी नहीं है. वो भगवान जाने वहां से नीचे कैसे आने वाला है. आई बी वेटिंग यहाँ टैक्सी स्टैंड पे कि उसके टैक्सी का पे कर दूँ. वो आने वाला होगा अभी. काफी जल्दी आ गया. मतलब वहां के लोग कह रहे थे कि जो नॉर्मल आउटसाइड वाले लोग आते हैं लाइक नॉट द लोकल्स या उन लोग को 5 से 6 घंटा लग जाता है ऊपर जाके नीचे आने में. मेरे भाई 3 घंटे में ऊपर जाके नीचे आ गया. लाइक दैट्स अमेजिंग. द नेक्स्ट डे haven't vlogged in a while. So kalika wala ki bhai Vasudhara Falls gaya tha. I'm just giving you update in brief. Bhai wahan gaya tha, usko aate aate late ho gayi thi and mummy got really worried. So main unhi ke sath video call pe thi because wo dar rahi thi ki pata nahi ye safely aa jaye us time se aise aise karke. To uske wajah se I couldn't vlog and uske baad phir ye aa gaya tha. To we were just gossiping about ki iska wo kaisa raha and as I told you ki वो होटल बहुत ज़्यादा वियर्ड था एंड मेरे रूम के ठीक बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा था. काफ़ी सारे वर्कर्स थे तो बिल्कुल भी ऐसा सेफ नहीं लग रहा था. एंड मोर देन दैट द थिंग इज कि इवन द होटल रूम वॉज नॉट दैट गुड. और उस होटल में कोई अमेनिटीज नहीं थी. उसका नाम है फर्स्ट हॉल्ट एक्सप्रेस. डू नॉट बुक अ रूम देयर. डू नॉट. Like the staff was so ill-behaved that I cannot tell you. And उसके बाद I asked for the owner's number. I talked to the owner. I told him कि ऐसा ऐसा problem है मेरे room के बाहर से construction चल रहा था. Workers are not feeling safe. तो अभी क्योंकि because yesterday तो I had stayed there for half a day. I was like कि आप आज का पैसा काट लो but कल का मेरा refund कर दो ताकि I'll check out tomorrow morning. And I was like planning to cut short my trip by one day. कि चलो जितना प्लान करके घर से आए थे वो सब तो हम घूम ही लिए थे. आई वाज लाइक कि घर चले जाएंगे. एंड ही सेड ही डिड नॉट फाइंड माय ही सेड दैट दे हैड सम नॉन रिफंडेबल पॉलिसी एंड बट अगर कोई जेन्युइन इशू हो तो वो लोग रिफंड कर भी देते हैं. लाइक अ गर्ल नॉट फीलिंग सेफ हैविंग वर्कर्स अराउंड एक कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट पे इज नॉट अ जेन्युइन इशू फॉर द ओनर. लाइक इट वॉज पथेटिक एंड डिस्गस्टिंग एट द सेम टाइम. I was so annoyed that I cannot even tell you. But anyways, अब मुझे उसके बारे में दोबारा बात करके मूव खराब नहीं करना. तो यही सब कल चल रहा था. रात तक ओनर से मेरी थोड़ी सी बीप हो गई थी तो वही सब चल रहा था. एंड देन आई जस्ट स्लेप्ट. वोक अप इन द मॉर्निंग 4 AM एंड यू आर गोइंग बैक होम. मैंने जो कल की मेरी बस थी वो कैंसिल करा दी. आज हम लोग को सुबह 4 बजे निकल के 5 बजे के करीब बस मिल गई थी फ्रॉम बद्रीनाथ टू ऋषिकेश. अभी हम उसी बस में. माई गॉड, ये बस का ड्राइवर तो इसने एयरप्लेन बना दिया बस को. इस तरीके से बस चला रहा है. और मॉम एंड सन स्ट्रगलिंग व्हाइल डैड इज हैविंग फन. Dear dad, you need to earn food for your family. वो बैठ के अपने का इसमें काम है. वो मम्मी होगी ना, बच्चे के साथ जा रही है. तो ये दे दो. ये अभी कैसे साफ कर रहे हैं? साफ कर दिखा रहे हैं. भाई तेरे से ज्यादा दिमाग तो इसमें है. ये है ना फ्रेश. हाँ हाँ, और बारिश भी हो रही है लेकिन अच्छा नहीं. ये ये सब फ्रेश है ना. माय गॉड. मेनी आवर्स लेटर. तो काफी देर के बाद हम लोग पहुंच गए फाइनली ऋषिकेश बस अड्डे. एंड मैंने फोन ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ बिकॉज मैंने इधर होटल में आके चार्ज पे लगा रखा है. अभी हम एक रेस्टोरेंट है. मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया है एंड वो बस वाले ने माई गॉड इतनी धूनी बस चलाई एंड वी गॉट स्टक इन अ लैंडस्लाइड. इट वॉज टेरिफाइंग बट ऑल्सो एक्साइटिंग एट द सेम टाइम. क्योंकि पहली बार देख रहे थे ऐसा कुछ एंड सेफली निकल आए. दैट इज लाइक आई फील लक्की एंड रिलीफ. अभी पहुंच गए हैं इधर. अभी बज चुके हैं 7:57. लिटरली 15 आवर्स ऑफ बस जर्नी. लुक एट मेरा हुलिया. लाइक मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ. मैं बहुत इरिटेटेड भी हूँ इस टाइम पे. तो अभी मैंने खाने का ऑर्डर दे दिया. यहाँ पे खाना खाएंगे. उसके बाद यहाँ पे टेक अ टैक्सी टिल द
आधा बस स्टेशन जहाँ से कि दिल्ली वगैरह की बसेस मिलेंगी। अब मैं रेड बस पे देख लेती हूँ पहले कि अगर बस मिल जाती तो वहीं बुक कर लूंगी, वरना फिर बस स्टेशन जाके देखेंगे। द नेक्स्ट डे लिटरली 24 घंटे की बस राइड के बाद फाइनली अपने घर पहुंच गए, लिफ्ट में है, एंड इट वॉज एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रिप। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर, तो चलो दिखाते हैं मम्मी के रिएक्शन। तो अभी रात के लिए क्या करते हो इतने दिन? हाय। तुम ये लिया ठीक है, मेरा कुछ ले दो। कैसे रहे आपके 5 दिन हमारे बिना? एक पकड़ा।